नमस्कार और स्वागत है आपका रेसिपी फ्रॉम इंडियन किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बचे हुए दही, पतले दही से क्रिस्पी दही की पूड़ियाँ। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए फटाफट इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। दही की पूड़ी बनाने के लिए दही जो बच जाती है, पतली दही जिसका कि हम इस्तेमाल खाने में नहीं कर पाते, हम उस दही से ये पूड़ियाँ तैयार करेंगे। तो वो बची हुई दही एक कटोरी मैंने ले ली है। इसके अलावा है चिली फ्लेक्स स्वादानुसार, एक टीस्पून अजवाइन, एक टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, इसकी जगह आप कच्चे जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में एक टीस्पून है पुदीने का पाउडर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल पे कि पुदीने का पाउडर कैसे तैयार कर सकते हैं। साथ में हरी धनिया कटी हुई। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इन इंग्रेडिएंट से दही की पूड़ी के लिए एक डो तैयार करने। डो तैयार करने के लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपको पूड़ियां बनाना हो ले लें। उसमें सिर्फ 2 चम्मच देसी घी के मैंने डाले हैं और अब हाथों से इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये घी सभी आटे में बिल्कुल अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए। अब सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे, नमक स्वादानुसार, पुदीने का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, अजवाइन, चिली फ्लेक्स, हरी धनिया, इन सभी चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा जो दही का पानी हमारे पास है, पतली दही जो हो वो डालेंगे और इससे एक सख्त आटा गूंथेंगे। हो सकता है कि दही के पानी से ही पूरा आटा गूंथ जाए, अगर कम लगे तो पानी का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ दही ही सफिशिएंट है आटा गूंथने के लिए। दही का बहुत ज़्यादा खट्टा भी हमें दही इसके लिए नहीं चाहिए, रेगुलर दही ही जो होती है जो हम डेली जमाते हैं खाने के लिए, मैंने उसी दही का इस्तेमाल करके ये बनाया है। ये देखिए दही मैंने पूरी यूज़ कर ली है लेकिन अभी आटा बाइंड नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून पानी इसमें लगा है और उससे ये देखिए इस तरीके से बाइंड हो गया है। एक बार बाइंड हो जाएगा तो फिर इस आटे को हम सेट करके रख देंगे आधे घंटे के लिए यूं ही, फिर उसके बाद इससे हम पूड़ियाँ बनाएंगे। तो ये देखिए टाइट आटा हो गया है, आधे घंटे के लिए इसे हम छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसे अच्छे से गूंथेंगे और गूंथ करके इस तरीके से देखिए मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब इससे छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और फिर हम उनसे पूड़ियाँ तैयार करेंगे। ये देखिए पूड़ियाँ मैंने इस तरीके से बेल ली हैं, साइज़ जो आपको चाहिए आप वो रख सकते हैं। और बाकी का प्रोसेस जैसे आप पूड़ियों को तलने के लिए करते हैं वही है। गरम करिए तेल, एक एक करके डालिए पूड़ियाँ और तल करके निकालते जाइए। मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से हम सभी पूड़ियों को तल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। हल्का सा दही की खटास भी आ जाती है, पुदीने की फ्रेशनेस भी आ जाती है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं, इसे आप ट्रैवलिंग के लिए ले जा सकते हैं, अचार जैम के साथ खा सकते हैं, चटनी या फिर किसी सब्जी के साथ खा सकते हैं।